जी हेलो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने हरियाणा मौसम समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ, आप जानेंगे अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे की मौसम की ताज़ा रिपोर्ट। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हरियाणा की मौसम की ताज़ा खबर पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हम आपको बता दें, हरियाणा में कोहरा और शीतलहर का दिखेगा कहर, 13 जिलों में जारी किया गया रेड अलर्ट। जी हाँ हम आपको बता दें, हरियाणा में तापमान लगातार गिर रहा है, हिसार राज्य में सबसे ठंडा रहा। हम आपको बता दें, यहाँ ठंड के कारण 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हिसार में अधिकतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 8.6 डिग्री कम था। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला ने अधिकतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया और यह मौसम का सबसे कम दिन का तापमान रहा। जी हाँ, साल 2011 के बाद दिन का इतना कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले 2 जनवरी 2011 को 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। हिसार में रात का न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है। दिन और रात के तापमान में अंतर कम होने से ठंड का असर ज्यादा है। वहीं 13 जिलों में जारी किया गया रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने मंगलवार को हिसार में सीवियर एयर कोल्ड डे यानी अत्यधिक शीतलहर घोषित किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शीतलहर के चलते हरियाणा के 13 जिलों में रेड अलर्ट की चेतावनी दी है। शीतलहर के चलते बुधवार को कई जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात बने रह सकते हैं। इसमें दिन और रात के तापमान का अंतर कम हो जाता है। हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार को घनी धुंध या घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों पर दृश्यता 50 मीटर से कम देखी गई। वहीं हम आपको बता दें, मौसम का ताजा पूर्वानुमान, राज्य में 8 जनवरी तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान अगले 3 दिनों तक यानी 6 जनवरी तक राज्य के अधिकांश इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने और गहरी धुंध पड़ने की संभावना है। प्रदेश में चल रही उत्तरी व पश्चिमी हवाओं से रात के तापमान में गिरावट की भी संभावना बनी हुई है, लेकिन कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 7 और 8 जनवरी को आंशिक बादल छाने और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना बनी हुई है। वहीं हम आपको बता दें, किसान भाइयों को बता दें, जानवरों को ठंड से ऐसे बचाएं। जी हाँ, लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार ने बढ़ती ठंड को देखते हुए पशुओं की उचित देखभाल करने की भी सलाह दी है। वहीं जनवरी में पशुपालकों को अपने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सीधे ठंडी हवा नहीं बहने देनी चाहिए। छोटे विशेषकर नर पशुओं में मूत्र प्रतिधारण की समस्या पर ध्यान दें और मूत्र प्रतिधारण में के मामले में जल्द से जल्द पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशु आहार में अधिक ऊर्जा और प्रोटीन जैसे अनाज और दाल खिलाएं। जी हाँ, ये थी हरियाणा से जुड़ी मौसम की ताजा अपडेट। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। तब तक इस YouTube चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।